फिलहाल अभी ज़रा हरदोई ऑलमोस्ट आ गए हैं। अभी गाड़ी तैयार हो गई एंड चलते हैं अभी हमने लखनऊ की तरफ। टोल आ गया है पहला एंड रिटर्न टोल, पता है टोल आने वाला है एक और। मैंने कहा था ना दो टोल पड़ते हैं, तो इस पर भी हाफ ही पड़ा है अपना एंड ये दूसरा टोल है, इसको क्रॉस करते हैं। भाई भीड़ इस पर भी है। सो फाइनली हम लोग लखनऊ पहुंच गए एंड यहाँ से अभी ज़रा हरदोई ऑलमोस्ट आ गए हैं। 10 बज रहा है भाई, तो सुबह से निकले थे, सुबह से हम निकले हैं। पहले आए अयोध्या से लखनऊ, लखनऊ से आए हरदोई। तो भाई कितना टाइम लगा है, सुबह 5 बजे निकले थे एंड अभी इस टाइम हो रहा है 9:58 हो रहा है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट एक ब्रेक लिया था मैंने, वो भी शुक्ला चाय वाले के, शुक्ला चाय वाला चाट में चाट लोकेशन डाल के डाला था। फिलहाल अभी यहाँ से 1 घंटा 8 मिनट दिखा रहा है, जल्दी पहुँच जाएंगे, 11 बजे पहुँच जाएंगे लगभग दिखा रहा है। थोड़ी बहुत ट्रैफिक हो गई है वरना पहुँच जाते भाई जल्दी लमसम। मैंने टी शर्ट उतार दी, शर्ट उतार दी है ऑफकोर्स, अपना बैग एंड ये साथ में है अपने। हाँ तो तीन भाई, एक बैग, दो पीछे वाला बैग, तो तीन लोग हो गए भाई, ये पीछे भी तो है। फिलहाल अभी जस्ट घर पहुंच रहे हैं एंड वीडियोस को एंड करेंगे। पता नहीं कैसे क्या ब्लॉग बने, पता नहीं भाई। दर्शन भी अपने जल्दी जल्दी हुए, दर्शन का वो देंगे हम, जो एक होता है ना भावभुक्त वाला दर्शन होता भाई वो हुआ है। एंड होता है ना कि कभी कभार लेट भी आप होते हैं लेकिन दर्शन आपको और पास। और मैं बताऊँगा कि मुझे भीड़ भी बिल्कुल नहीं मिली है, ये भी बात है। बहुत कम ऐसा होता है कि आप राम मंदिर में गए और दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। सो भाई मेरे तो हुए हैं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया एंड भाई जो मूर्ति है भाई बहुत अच्छी है। फिलहाल वो सब बातें अलग अगला ब्लॉग में, पहले अगले ब्लॉग में नहीं, मतलब पहले आ ही चुका होगा। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल अभी ब्लॉग एंड नहीं हुआ, अभी पहुँचेंगे घर पर, बहुत बड़ा ब्लॉग अभी आगे है। सो पता नहीं सर, बड़े छोटे ब्लॉग इधर उधर आएंगे ही। बाकी अभी तक होटल वाला ब्लॉग नहीं देखा हो तो वो भी देख लीजिए जाके, मैंने डाल दिया। पहले एक डिमांड था, मतलब होता है ना आगरा का होटल मैंने डाला था, काफ़ी डिमांड आई इसकी। एंड टोल के बारे में मैंने भी जानकारी दी है, दोबारा दी है, जिनको जिनको कन्फ्यूज़न है इस वाले टोल से रिलेटेड कोई, सो वो जाके अपना देख सकता है। सो बिल्कुल बाकी पहुँचते हैं ज़रा घर। सो वो तरीका ही सही है फिलहाल, अभी बाकी काम करेंगे चल के देखा जाएगा। आज मैंने चश्मा नहीं लगाया भाई, सुबह सुबह तो धूप थी नहीं, श्रीराम जी की नगरी में उठे सबेरे भाई, और सुबह सुबह दर्शन हुए हनुमान जी के, फिर निकल लिए भाई लग आइन भाई। आराम से हम लोग चलेंगे दोबारा, अभी तो दोस्तों के साथ था, फिर से चलेंगे और फिर बनाएंगे अच्छे से, क्योंकि टाइम लिमिट अपने पास नहीं रह गई थी फिलहाल कतई, तभी थोड़ा सा इशू हो गया था, बिल्कुल ऑलमोस्ट नील के बराबर टाइम रह गया था। अभी जरा स्पेक्स यार उठा लें यार, क्या स्पेक्स भाई इधर हैं यार, ये रखें स्पेक्स, देखो भाई क्या है। गाड़ी यार इधर उधर हो जाती है जब कुछ ना, अगर कोई चीज़ काम करने लगो। ये रहा स्पेक्स एंड ये रहा पहन लिए भाई हमने एंड आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यार अब सही लग रहा है भाई, थोड़ा गंदे हैं थोड़े से, पर वी कैन एडजस्ट, मतलब आई कैन एडजस्ट। फिलहाल पहुंचते हैं भाई एंड ज़रा थोड़ा सा आधा बचता फिर आप लोगों को अपडेट देते हैं। बाकी आप लोग बने रहे भाई, धूप आज भी बहुत तेज है एंड पेट्रोल का क्या बताएं, ऑलमोस्ट भी है भाई। कैसे कैसे लोग हैं भाई, देखो तो बीच में चला रहा था भाई रिक्शा वाला, पता है। चलो कोई नहीं भाई, भगवान भरोसे है। बिल्कुल
फिलहाल आप लोग बताइए कैसे शॉर्ट्स लगे इस बार के, कोशिश करिए आप लोगों को हर चीज़ दिखाने की, एंड जो भी मेरे फ़ोन से हो सका वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। बाकी जल्दी अपडेट लेने के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे जल्दी अपडेट मिलते हैं। बाकी कुछ और अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, उसके लिए हम लोग कहाँ निकल रहे हैं वो भी आप लोगों को जल्दी पता लगेगा, मैं आपको अनाउंसमेंट पहले दे दूंगा उस चीज़ की। आप देखते हैं कि गेस वी आर कहाँ निकल रहे हैं, मतलब ये सब वाला वो बता दूंगा, नहीं जगह के बारे में जगह बता देंगे एंड ब्लॉग्स उसके हो सकता है बाद में आए। एंड इस बार आपको दिखाते हैं पानी, अच्छा वाला समुद्र समुद्र दिखाएंगे भाई, बीचेस दिखाएंगे इस बार, चलते हैं भाई। इतना हिंट काफ़ी है एंड नॉर्मली एनीबडी कैन गेस, तो गेस इन कमेंट्स डाउन बिलो, किसी का सही होगा बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा उसे एंड बताइए। बाकी चलते हैं अभी घर, जरा थोड़ी देर बाद ब्लॉग थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं, एग्जैक्टली कहाँ पे हैं। तो भाई पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट आधी जगह एंड लगभग 28 किलोमीटर या 28 किलोमीटर बचा है भाई, एंड चश्मा उतार दिया, जरा दिख नहीं रही थी स्क्रीन, नहीं दिख रही थी, अब ब्लैक इस पर वो लगी है एंड इस पर भी यूवी वाला वो लगा हुआ है मेरे मोबाइल पे, दूसरे वाले पे इस पर यूवी वाला लगा हुआ, तो उस पर बिल्कुल नहीं दिखता, ऑलमोस्ट निल, बिल्कुल ही नहीं, कुछ अंक दिख रहे थे। अब देखो यहाँ से दिखा तो रहा जाता रहा, 39 मिनट्स या 40 मिनट्स दिखा रहा है, तो जल्दी पहुँच हो सकता है 11 बजे तक पहुँच जाएँ अपन लोग, एंड बाकी इस चीज़ में तो एक्सपर्ट हैं ही जल्दी पहुँचने में। एंड फिलहाल पहुँच गया, चलते हैं नहाते हैं यार, बहुत गंदे हैं भाई, मतलब गंदे यार, सुबह से ड्राइव ही कर रहे हैं तो गंदे तो होंगे, वैसे ब्रश व्रश कर लिया था मैंने होटल से निकलते ही, बाकी देखते हैं जो चीज़ें काम होंगी वो करते हैं। पहले यार मेरा मोबाइल का डाटा, मतलब मोबाइल का SD कार्ड फुल हो गया भाई फुल हो गया, सही मजाक नहीं कर रहे हैं, मैं फुल हो गया है, तो इस समय जो रिकॉर्ड कर रहा है ना ये, इस समय जो ये वाली क्लिप जो चल रही है रिकॉर्ड हो रही है भाई, वो फ़ोन के स्टोरेज पे रिकॉर्ड हो रही है, जो कि 54 मिनट्स की बस है उसमें, बस खाली फिर वो भी नहीं रिकॉर्ड करेगा, बस ख़त्म हो जाएगा। तो घर पहुँचते सबसे पहले डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, वो बहुत सबसे ज़रूरी है, एंड खाली करते हैं मोबाइल को, एंड क्योंकि भाई उसके बिना शूट नहीं हो रहा ना कुछ भी, या तो यही स्टोरेज भरो धीरे धीरे फिर स्टोरेज भर जाएगी फिलहाल इन जगह को खाली करनी है, एंड फिलहाल इन वीडियो को एंड करते हैं, फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, तो इस ब्लॉग के लिए इतने रखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी ये ट्रिप कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, बाकी यहाँ से अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं, क्योंकि बहुत लंबे स्ट्रेच हो जाएंगे ब्लॉग बनना, ठीक है।